जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आरके शास्त्री ज्योतिष क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं समय समय पर हिंदू धर्म से जुड़े व्रत त्यौहार और वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी आपको जानकारी देता रहता हूं। इस कड़ी में आज मैं नवरात्रि के बारे में बताऊंगा। इस शारदीय नवरात्रि में कब घट स्थापना करें, श्रेष्ठ मुहूर्त कब हैं और कैसे करें घट स्थापना, तो जानते हैं नवरात्रि के बारे में घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त और उसकी विधि। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि 29 सितंबर से प्रारंभ होकर के 7 अक्टूबर तक है। 8 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। अब कलश स्थापना के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। गलत समय में घट स्थापना से अनिष्ट भी हो सकता है। रात्रि के समय में और अमावस्या के दिन घट स्थापना का शास्त्रों में निषेध बताया गया है। घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त और शुभ समय प्रतिपदा का एक तिहाई भाग बीत जाने के बाद होता है। यदि उस समय कलश स्थापित नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लाभ और अमृत के श्रेष्ठ चौघड़िये में या अभिजित मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं घट स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। घट स्थापना 29 सितंबर 2019 रविवार को सुबह 9:30 से लेकर के 12:28 तक लाभ और अमृत का श्रेष्ठ चौघड़िया रहेगा, जिसमें घट स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजित मुहूर्त दिन में 12:04 से 12:52 तक पूजन और घट स्थापना करना श्रेष्ठ रहेगा। अब मैं बताता हूँ कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद पूजन सामग्री जमा करके तैयार कर लें। श्रेष्ठ मुहूर्त में अखंड ज्योति जलावें। स्वस्ति वाचन, गणेश पूजन, कुलदेवी सहित सोर्स मातृका, नवग्रहों का ध्यान और संक्षिप्त पूजन करें। उसके बाद में कलश के पात्र में मिट्टी के पात्र में मिट्टी डाल करके जो के बीज बोएं। अब एक तांबे चांदी या मिट्टी के कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के यानी मिट्टी के कलश के मौली बांधें। अब इस कलश में पानी भरें, कुछ गंगा जल भी डालें। दोब, सुपारी, सर्वौषधि, हल्दी, सप्तमृतिका, कुसा यानी डाब, कुमकुम, अक्षत आदि डालें, सिक्का डालें और संभव हो तो पंचरत्न और चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का भी डाल सकते हैं। इसके बाद कलश में अशोक, आम आदि के पंच पल्लव यानी कि पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेट करके उसे मौली से बांध दें। फिर नारियल को कलश पर रखें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के बीच में रखें जिसमें आपने जो बोए हैं। कलश स्थापना के बाद माता की तस्वीर या मूर्ति की भी यथाविधि स्थापना और पूजन करें, प्रसाद अर्पण करें और आरती करें। और इसी के साथ में नवरात्रि के 9 व्रत रखने का भी संकल्प ले सकते हैं। आप चाहें तो 9 दिन तक लगातार अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त और विधि। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, नवरात्रि के बारे में और भी कई जानकारियाँ देता रहूँगा, साथ ही पाठ विधि और मंत्रों के बारे में भी बताऊँगा, जिससे माता रानी को प्रसन्न करके
और घर में ढेर सारी खुशियां ला सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अवश्य कर लें, साथ ही शेयर भी करें। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, धन्यवाद।